Forget to subscribe and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब खैरियत से हैं, मज़े में हैं और ईद की तैयारियां कर रहे होंगे. मैं भी कोशिश कर रही हूं आज से आपको सिर्फ ईद की ही रेसिपीज़ शेयर करूं आप लोगों के साथ, जो आपके ईद में काम आ सकें आपके. और उसमें ये है कि जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं वो तो मैं शेयर कर ही रही हूं, उसके अलावा भी मैं कोशिश कर रही हूं कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ हो जाएँ ताकि आपकी ईद की दावत में थोड़ी वैरायटी आ जाए. आज मैं बना रही हूं स्वीट चिली बीफ राइस. ये आपकी जो ट्रेडिशनल बिरयानी और पुलाव है उनसे हटकर चावलों की एक रेसिपी है और आपकी ईद की दावत में थोड़ा सा एक इनोवेटिव टच लेकर आएगी. यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं, उनके बीज निकालकर मोटे मोटे स्ट्रिप्स काट रही हूँ. एक शिमला मिर्च के भी मैंने इसी तरह मोटे स्ट्रिप्स काट लिए हैं और मैं प्याज लूँगी और प्याज के भी इसी तरह से मोटे स्ट्रिप्स काटूँगी. मोटे स्ट्रिप्स इसलिए क्योंकि हमें इनको स्टर फ्राई करना है इस तरह से कि सब्ज़ियाँ क्रंची रहें और सौगी ना हो जाएँ. उसके लिए अगर आप बहुत पतले स्ट्रिप्स काट देंगे तो आप जैसे ही उनको हीट देंगे वो फ़ौरन ही जो है वो विल्ट हो जाएंगे और बिल्कुल सॉगी हो जाएंगे. थोड़े मोटे काटेंगे तो ज़रा वो क्रंची रहेंगे. ये मैंने चॉप शॉप से मंगाया था टेंडरलाइन के स्ट्रिप्स, अंडरकट या टेंडरलाइन के जो पतले बिल्कुल बारीक ऐसे स्ट्रिप्स कटे हुए होते हैं ना, ये बड़ी जल्दी पकते हैं और बहुत अमेजिंग फ्लेवर देते हैं. और ये चॉप शॉप ने बहुत अमेजिंग सर्विस स्टार्ट किया है कि बेहतरीन मीट कट्स आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस पर देते हैं और इनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. यहाँ पर मैंने बीफ को वेलवेट कर रही हूँ, इसमें मैंने ऐड किया है बेकिंग सोडा और पानी और इसको मिलाकर 15 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद इसको धोकर सारा पानी निकाल लेंगे. ये मेथड रेस्टोरेंट्स में यूज़ होता है और इससे गोश्त बहुत सॉफ्ट और वेलवेटी हो जाता है. ये है यहाँ पर चावल का सिरका, सोया सॉस और स्वीट चिली सॉस. आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, शंग्रीला का भी ईजिली अवेलेबल है, आप वो ले लें, इम्पोर्टेड भी आता है. अच्छा, यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है, आप नहीं तो नॉन स्टिक ले लें, लेकिन फ्लेवर अच्छा लोहे में आता है. अब इस कढ़ाई में गरम करके कढ़ाई को तेल डाला है और जो बीफ हमने धोकर और सोडे का पानी सारा निकाल कर वॉश करके रखा था ये बीफ हम इसके अंदर डालेंगे और तेज़ आंच पर फुल फ्लेम पर इसको स्टर फ्राई करेंगे. गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, 5 से 7 मिनट लगेंगे इसका, जितना पानी निकलना है वो निकल जाएगा, पानी ड्राई हो जाएगा. और जब इसका पानी निकलना बंद हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इसको थोड़ा और भून करके थोड़ा सा फ्राई करके तेज़ आँच पर अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स. इसमें कुटा हुआ लहसुन जाएगा, पेस्ट मत यूज़ करिएगा, बारीक चॉप हुआ हुआ या कुटा हुआ या कद्दूकश किया हुआ लहसुन फ्रेश. और 2 से 3 बड़ी हरी मिर्चों के बीज निकाल के लंबा लंबा काट के ये ऐड किया है खुशबू के लिए. इसको तेज़ आंच पे स्टर फ्राई करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए स्टर फ्राई करेंगे इसको. अब हम डालेंगे इसमें मसाले, इसमें जाएगा काली मिर्ची जाएगी. ये देखिए गोश्त कितना अच्छा गल गया है, बेहतरीन गल गया है ये. अब इसमें जाएगी काली मिर्चें और आप यकीन करें सिर्फ 2 से 3 मिनट की स्टर फ्राइंग में ये गल गया था. और ये गया है इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें गई हैं, चाइनीज़ सॉल्ट गया है, ये गया है पेपरिका पाउडर और ये सब चीज़ें हमने अच्छी तरह स्टर फ्राई किए. नमक अभी नहीं डाला है, नमक बिल्कुल आखिर में उतारते वक्त डालेंगे. अब इसमें जाएगा ये स्वीट चिली सॉस जो हमने यूज़ किया है, किसी भी ब्रांड का ले लें. चावल का सिरका जाएगा और साथ ही इसमें जाएगा सोया सॉस. ये सब चीज़ें डाल के अच्छी तरह इसको स्टर फ्राई करेंगे एक और बार. और अब इसमें ऐड करेंगे बहुत ज़रा सा, तकरीबन 2-3 चुटकी जितना नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि इन सॉसेज में भी नमक होता है. और बस अब इस फ्राई किए हुए बीफ को एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि हम इन सबको बाद में एक साथ असेंबल करेंगे. अब इसी कढ़ाई में इसी तेल में हम अपनी वेजिटेबल्स डालेंगे, ठीक है ना? प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, हरी प्याज नहीं, वो हमने चावलों के लिए रखी है. इनको भी बिल्कुल तेज़ आंच पे इसी तरह ज़रा सा हम स्टर फ्राई करेंगे और इसके साथ ही अब इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे. ये मैंने इसमें डाला है नमक, शुगर और ये गया है इसमें स्वीट चिली सॉस थोड़ा सा और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट, दैट्स इट. बस इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं डालेंगे. नमक, चाइनीज़ सॉल्ट, शुगर और स्वीट चिली सॉस डालकर इसको तेज़ी से स्टर फ्राई करके ये सारी की सारी सब्ज़ियाँ निकालनी है. इसके जूसेस जितने हैं टमाटर के और स्वीट चिली सॉस का सारा इसमें आ गया है. अब यहाँ पर इसी कढ़ाई में, अब आप दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हैं लेकिन मुझे उन्हीं फ्लेवर्स को चावल में इनकॉर्पोरेट करना पसंद है. मैंने उसी तेल में थोड़ा कुटा हुआ लहसुन और हरा प्याज डाला है, सोया सॉस और चावल का सिरका ऐड किया है मैंने इसमें. और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वीट चिली सॉस,
हरा धनिया है कटा हुआ, काली मिर्ची पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ ही इसमें जाएगा नमक और चाइनीज़ सॉल्ट। और बस इन सबको अच्छी तरह मिलाएंगे और रात के उबले हुए चावल हों, चावल नमक के साथ उबालेंगे, इनको मिक्स करेंगे इसमें तेज़ आंच पर, अच्छी तरह स्टर फ्राई करेंगे। याद रखिए चावल आपने नमक वाले उबले हुए चावल होने चाहिए जो आपने नमक डाल के उबाले हों, नमक और चाइनीज़ सॉल्ट मिलाकर उबालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इनको मिक्स करके रख लिया, अब आते हैं असेंबलिंग पर। ये हमारे चावल मैंने डिश में निकाल लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास है क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम, उसके अंदर ऐड किया मैंने लेमन जूस, साथ में थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन है और काली मिर्चें हैं, नमक है, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी इसलिए ऐड करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी पोरेबल हो जाए, आराम से हम इसको पोर कर सकें। अब यहाँ पर डिश के ऊपर जो चावल हैं उसके ऊपर मैं पहले सब्जियाँ फैलाऊंगी सारी की सारी, जो हमारी स्टर फ्राई हुई हुई वेजिटेबल्स हैं, और इसमें जो सारा ये आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, टमाटर ने अपना जूस छोड़ा है, टमाटर और प्याज का पानी है अलॉन्ग विद द सॉस जो हमने ऐड किया, तो ये भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। साथ में इसके ऊपर आएगा बीफ, इसको अरेंज करेंगे। इतना अच्छा गला था और इतना अच्छा फ्लेवर, देखें अच्छा गोश्त होगा और कसाई ने ठीक से काटा होगा ना तो बहुत अच्छा पकता है वो। और ये हमने जो सॉस रेडी की थी सावर क्रीम वो ऊपर डाली और हरा धनिया डाला है और ये हमारी डिश रेडी हो गई है। बहुत मज़े का बना था। आपने बकरीद में बस सिर्फ मीट कट्स का ख्याल रखना है कि कसाई को इंस्ट्रक्शन देकर अच्छे कट्स बनवाइएगा तो वो बेहतरीन गलता है, ठीक है। और इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी बकरीद की रेसिपीज़ इंशाल्लाह पोस्ट करने वाली हूँ। और देखते रहिएगा और जो भी आपकी फरमाइशें हो, रिक्वेस्ट हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।